सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस पे गुरुदेव रियल एस्टेट में। एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आए हैं और आप जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है अथॉरिटी से, सीईओ रितु महेश्वरी का बड़ा फैसला, इन आवंटियों का आवंटन रद्द होगा। तो हम देखते हैं किस कैंसिलेशन की बात कर रही है ये आगे की न्यूज़ में। सीईओ रितु महेश्वरी जी ने लिया बड़ा फैसला। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी जी ने बड़ा फैसला लिया है। सीईओ ने प्राधिकरण में आईटी इंडस्ट्री बिल्डर संस्थागत और कॉमर्शियल विभागों के अफसरों के साथ साथ लैंड बैंक को लेकर समीक्षा की हो। सीईओ ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि तय समय में जो लोग अपना प्रोजेक्ट नहीं लगा पाए हैं उन सभी का आवंटन रद्द किया जाएगा। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जो अथॉरिटी ने अपने प्लॉट्स आईटी डिपार्टमेंट के या फिर इंडस्ट्रीज के या फिर किसी बिल्डर प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किए थे जो इन्हें, और इन्होंने अपनी इकाइयाँ जो मौके पर नहीं लगाई हैं, जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नहीं दिया। अथॉरिटी ने तो अपना काम कर दिया बट इन्होंने अपने प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करके नहीं दिए हैं उन पे ये अब तैयारी शुरू कर रही हैं कि उस प्रोजेक्ट पे क्या देखा जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि क्यों नहीं लगा के दिया गया है और उस पर क्विक एक्शन लिया जाएगा। सीईओ रितु महेश्वरी ने कहा कि अब आवंटियों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इन सभी भूखंडों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जल्दी कब्जा करके आगामी स्कीमों में शामिल करके नए सिरे से आवंटन करेगी। तो जिन्होंने अभी तक ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके नहीं दिए हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, आईटी के हो, इंडस्ट्री को या फिर कोई बिल्डर डिपार्टमेंट हो, जिनको अलॉट किया गया था अथॉरिटी के द्वारा और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को तय समय पर कंप्लीट करके नहीं दिया है, उनके आवंटन को कैंसिल किया जाएगा और अथॉरिटी फिर नए तरह से जो न्यू स्कीम लाएगी उनमें इनको शामिल करके न्यू फेज की तरह इनको अलॉट किया जाएगा। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से ये पढ़ते हैं, इन सभी भूखंडों पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राधिकरण जल्दी कब्जा करके आगामी स्कीमों में शामिल करके नए सिरे से आवंटन करेगी। इसके अलावा रितु महेश्वरी ने 8 नए औद्योगिक सेक्टरों के लिए जमीन अधिग्रहण करने और उन सेक्टरों को जल्दी विकसित करने के निर्देश प्रोजेक्ट और लैंड विभाग को दिए हैं। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि और भी नए एरिया में ये इंडस्ट्री की स्कीम लेके आने वाले हैं, जमीन को एक्वायर करके उसमें ये जल्दी डेवलपमेंट करके और न्यू स्कीम को अलॉट करेंगे। तो ग्रेटर नोएडा में आने वाले वक्त में आपको और भी बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलेगी और भी ज़्यादा डेवलप ग्रेटर नोएडा दिखेगा। तो ग्रेटर नोएडा भी इस टाइम पे आपके लिए एंड यूज़ पर्पस से, इन्वेस्टमेंट पर्पस से बेस्ट ऑप्शन है। आप चूज़ करें, अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करें और जो भी आपका मन है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्लान करें। चॉइस सारी आपकी है, पॉकेट आपका, बजट आपका, रिक्वायरमेंट आपकी, आपने ही चूज़ करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आपको क्या लेना है। तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी और क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस पे गुरुदेव रियल एस्टेट के कमेंट सेक्शन में आप हमसे कमेंट के थ्रू जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा ऑफिस एड्रेस है जिस पर आप हमें आकर फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में आपका मोस्ट वेलकम है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइनली दी जाएगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ यहाँ स्क्रीन पे आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आप इन्हें फॉलो करिए, आपकी जो भी क्वेरीज होती है, जो भी क्वेश्चन होते हैं आप इन नंबर्स पे हमसे कर सकते हैं। हेल्दी इन्वेस्टमेंट करिए, सेफ इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट का यही टाइम बेस्ट है ग्रेटर नोएडा में और यमुना में। जहाँ पे आपको मन हो, जिस हिसाब के आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप वो करें, पर ज़्यादा टाइम ना लें क्योंकि जितना आप टाइम लेंगे उतना ही प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।